शिक्षक व आइए नजर डालते हैं जिले की बड़ी खबरों पर। साथ ही अगली खबर आ रही है जनपद कुशीनगर से, जहां बहुचर्चित गांव राजपुर बगहा में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ललन तिवारी सदस्य उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग व विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र है। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग कुशीनगर बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। बिना रिश्वत सभी की फाइलें बैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी विभाग की है, लेकिन गांव के दलाल से बच्चे जो रिश्वत देकर काम कराने की राय देते हैं, पैसे लेकर काम करने वाले अधिकारी शिकायत पर जेल जाएंगे। केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार है, जो गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। क्या इसका लाभ उन गरीब परिवारों को मिल रहा है जो आज तक सरकारी लाभ पाने से वंचित रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति धर्म को दरकिनार करते हुए सबका साथ सबका विकास के राह पर चल रही है। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट संवाददाता ओम प्रकाश गुप्ता के साथ। क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करते रहे पूरा क्षेत्र में भ्रमण करके। ऐसे हम सबके बहुत बड़े नेता और उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य आदरणीय ललन त्रिपाठी जी इस कार्यक्रम में आए हैं। इनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित नाम जुट इतने और कोई विरोध नहीं है, और यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान पंडित जी हो या किसी आदिवासी भी हो, किसी मजहब का हो, कोई भी हो, किसी मुसलमान ईसाई पारसी किसी में कोई भेद नहीं है, एक इंसानियत के रूप में पूरी की पूरी तौर पर। चूंकि जनपद का आखिरी छोर है और इस गोष्ठी में जो खादी ग्राम उद्योग की तरफ से लगाया गया है, ये शिविर अन्य जगहों पे भी लगेगा कि यहीं तक सीमित है? वैसे हर जिलों में लगभग तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर तक इस प्रकार की शिविर लगाकर स्वावलंबी बनाने की दिशा में स्वरोजगार के माध्यम से ये खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के निर्णय के तहत चल रहा है, उसी सिलसिले में हम आज यहाँ उपस्थित हैं। एक दिक्कत जो बार बार जो सामने आती है वो ये कि खादी ग्राम उद्योग से तो फाइलें पास होती हैं, वहां भी दिक्कत है, शायद लिख बैंक अधिकारी भी यहाँ पड़े हैं, लेकिन बैंकों में बिना कमीशन दिए युवाओं का सैंक्शन लोन नहीं हो पाता है। ये चिंता मुक्त होने के लिए मैं अनुरोध करूंगा सभी यहाँ इस भ्रम से अब दूर हों। ये एक संकट था, लेकिन अब वो संकट दूर हो चुका है। किसी स्तर पर कोई इस प्रकार का साजिश करेगा तो वो प्रभावित होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, बच नहीं सकता। आप अपने तरफ से चूंकि बोर्ड के एक मेंबर हैं, कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि युवा इससे और प्रोत्साहित हो सके? निश्चित रूप से हर युवा अपने हुनर के मुताबिक परिश्रम और प्रभाव से स्वावलंबी बने, यही हमारी इच्छा है। तो ये थी जिले से जुड़ी कुछ खास खबरें। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7। नमस्कार।